Ready to start? Yes, sir. कल आए थे तुम सब लोग ना? Yes, sir. ठीक. आप बताओ. एक हेमंत तू बता. एलआर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा? एलआर सर्किट का इम्पीडेंस मुझे जवानी बताओ. खाली बस दिमाग को खाली मत जाने ही. एलआर सर्किट का इम्पीडेंस क्या है? क्या होगा शादी में नहीं थी. वैसे मैं देखा तो था आप जैसा कोई बंदा था वो जमीन पर बैठ के दोनों हाथों से खाने को डरा था. हेलो आप नहीं थी. मैं तो आपको समझ के आवाज लगाने वाला. देखो हाँ बताओ तुम बताओ. ए फेस एंगल बताओ मुझे. एलआर सर्किट का फेस एंगल बोलो. मैंने ज्यादा फार्मूले में पांच फार्मूला याद कर लो. बाकी तो कोई मतलब है ही नहीं किसी चीज से. कौन सी थ्री कौन सा इंटीग्रेशन कौन सा डिफरेंशिएशन कोई मतलब नहीं था किसी प्रकार से. यही तो था. बताओ आरएल सर्किट का फेस एंगल क्या हुआ? आरएल सर्किट का फेस एंगल क्या था बोलो. याद तो करना पड़ेगा ना. उसके बाद हाँ बताओ और कौन सब आए थे यार बच्चे बहुत कम. हाँ बताओ एक्सएल ओमेगा के टर्म में क्या था? एक्सएल ओमेगा के टर्म में कुछ था नहीं बताया. हाँ बताओ ओमेगा एल क्या था? ओमेगा एल था. ठीक है सही. इर्तिका एक्स सी क्या था? ओमेगा सी. बताओ वन अपॉन ओमेगा सी. वन अपॉन ओमेगा सी यही तो था सही. आप बताओ आशा की पंचर हुई थी हैंडल तो क्या था? क्या बोलते हो? अच्छा इसलिए चलो ठीक है. देखो ऐसा है कि हम लोग आपको बताएं साइकिल से तुम कुछ भी खिलवा करो घर वालों के ऊपर मत जाओ. समझ गया? तुम बताओ साइकिल का बताया तो कुछ ना कुछ ठीक है. चलो अच्छा बताओ आप ही बताओ रेडिनेस फ्रीक्वेंसी क्या थी? फार्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक्सएल किसके बराबर होगा? एक्सएल के इसके बराबर होगा था उससे हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता ठीक. तुम बताओ मुरलीधर टाइम पीरियड क्या था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जब ये होता था तो टाइम पीरियड क्या होता था? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एलसी ये तो था. यस सर. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में इंपीडेंस क्या होता था? जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती थी तो इंपीडेंस क्या होता था? आर होता था. तो उस समय करंट क्या होता था? मैक्सिमम जो होता था बी नॉट अपॉन आर या फिर बी नॉट अपॉन जेड.
ठीक है, क्योंकि जेड ही तुम्हारा क्या होता था इसके अंदर आर होता था, जेड को ही हम लोग इसके अंदर आर बोलते थे। इन सबके बाद में, इन सबके बाद हमने ये पढ़ा था, अब एक बात, अगर मैं ग्राफ अगर तुमसे पूछ लिए, मैंने तुमसे कहा आप बोले सर एक्सएल बराबर होता है ओमेगा, अगर मैं एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ बनाऊं, एक तरफ एक्सएल, एक्सएल क्या है रेजिस्टेंस, किसके अंदर इंडक्टर के अंदर, ठीक है इंडक्टर के अंदर, एक तरफ बनाया मैंने ओमेगा, ठीक है एक तरफ मैंने एक्सएल और एक तरफ ओमेगा, तो यहां पर मैं देखूंगा सर ये किसके है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, देखो तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। अगर मैं इसको इधर, इसको अगर लिखूं तो एक्सएल को ऐसे ही ओमेगा को लाया नीचे, तो इधर क्या आया एल, एल क्या है तुम्हारा इंडक्टर। और तुम्हें तुम ये जानते हो सर, कभी भी देखो अगर कोई ग्राफ लिखूं मैं, इस ग्राफ में यही तो इसका स्लोप है, अगर मैं स्लोप को लिखूंगा तो स्लोप बराबर होता है सर टेन थीटा, और यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा लूंगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार, तो लंब है इसका ये, आधार है इसका ये, तो लंब क्या है सर एक्सएल, एक्सएल आधार कितना है सर ओमेगा, और तुम लोग जानते हो एक्सएल अपॉन ओमेगा ही क्या है इंडक्टर, क्या है इंडक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सएल और ओमेगा के ग्राफ में, एक्सएल और ओमेगा के ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप इंडिकेट, इंडिकेट किसको करता है इंडक्टर, इंडक्टर ये इंडक्टर को इंडिकेट करता है। ऐसे ही मैंने एक कहा था एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन ओमेगा सी, तो बोले ठीक है। अब मैंने कहा एक तरफ एक्स और एक तरफ ओमेगा, अगर मैं इसमें देखूं, जरा देखना सर यहाँ पर एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है ओमेगा, ओमेगा सी के। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा के, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है यहाँ पर एक्स है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा के होता है तो जो ग्राफ बनता है, तुम खुद बताओ जैसे जैसे मैं इधर आऊंगा ओमेगा की वैल्यू कम होगी, ओमेगा की वैल्यू कम होगी तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर ओमेगा यहाँ पर आके जीरो हो गया, अगर मैं ओमेगा को जीरो कर दिया तो वन बटे जीरो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इसका जो स्लोप बनता है यानी कि ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है इस टाइप से ग्राफ किसका बनेगा एक्स का, और इधर किसका ग्राफ है ये ओमेगा, एक्स और ओमेगा का ग्राफ ऐसे रहता है और एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ ये रहता है। एक्स तुम लोगों को पता है एक्स होता है रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर, एक्सएल तुम लोगों को पता है क्या होता है रेजिस्टेंस इन इंडक्टर, ठीक है वो इंडक्टर के लिए है और ये है तुम्हारा कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस, ठीक से इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है इसके ऊपर कल हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करे थे। पैदल सब्जेक्ट तुम्हारे कोर्स में है नहीं, ठीक है हाँ किताब में दे रखा है पैदल सब्जेक्ट, लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है। पावर इन एन एसी सर्किट, पता है जो तुम लोगों को यहां से शेड्यूल बनाया गया है उसमें ऑप्टिक्स उन्होंने कितने मिनट डाल दिए 9 क्लास सकते हैं, और वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स ही हो पाती है 9 क्लासेस में, रे ऑप्टिक्स छोड़ दो। अब उसके बाद में देखो कैसे कैसे शेड्यूल बनाए, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसके कितने लेक्चर दिए 7, और वो कितने का एक लेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक लेक्चर का है उसके दे दिए 7, जो वेव कम से कम 15 लेक्चर का है उसके दिए 9, कौन से कितने इसमें कितने दिनों में होता है कुछ ऐसे, उन्होंने सोचा कि ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स छोटा सा लग रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा बड़ा लग रहा है ना लिखा हुआ है, वही चेंज कर दिया है। इस वाले ऑप्टिक्स से
ठीक है, हम बात करेंगे पावर इन एन एसी सर्किट, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो पावर का हम लोग एक सिंपल फार्मूला जानते थे, P इक्वल टू होता था सर एक बी आई। वैसे तो हम पावर के तीन फार्मूला जानते हैं, एक पावर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, एक होता है P इक्वल टू बी आई, ठीक है, और एक होता है आई स्क्वायर इनटू आर, ठीक है, तीन फार्मूला है। लेकिन हमने पढ़ा था P इक्वल टू क्या होता है बी आई। हम लोग जानते हैं अगर मैं बी को लिखूं बी इक्वल टू B not sin omega t, और अगर मैं I को लिखूं I not sin, मैंने कह दिया मान लो इसके अंदर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस ही हुआ, और फेज डिफरेंस मैंने कितना मान लिया फाइव फेज डिफरेंस मान लिया, तो पावर का फार्मूला तीन थी। मैंने किसी तीन फार्मूले में से कोई एक फार्मूला उठा लिया है जो मैंने लिखा P equal to क्या होता है BI, P equal to BI, ठीक है। मैंने कहा B इक्वल टू होता है B नॉट साइन ओमेगा टी, और I में मैंने मान दिया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ आ रही है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जो मैं नोट से करवा रहा हूँ ना इतने ही अच्छे से तुम तैयार कर लो, पेपर इसी में से ही फंसेगा। अभी मेंस के पेपर चल रहे हैं इस समय, पेपर जब देके आते हैं तो वो कहते हैं सर जो जो नोट्स में था सारा सारा वहीं से आता है, सारे की सारे फार्मूलाज भी वहीं से उठा के पूछे गए, और बहुत सारी चीजें तो वहां से उठा के जो मैंने बताया क्लास में बता रहा हूँ वहीं से ही एक प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज है। तो आप लोग ऐसा इस बार नहीं हो रहा है, ऐसा हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, ठीक है। और खासकर देखो मैं मेरा एक रूटीन है, मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो मैं आपको फिजिक्स अभी करनी वैसी वाली कराऊंगा, मेरा मेन एम ये होता है कि फिजिक्स में जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन वहां से करता है, उस पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। जहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर फोकस कम रहता है, पढ़ाया वो भी जाता है, जहां से कतई क्वेश्चन आप तक आए नहीं वो मैं पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। जहां से कतई क्वेश्चन आए नहीं वो हम पढ़ाते नहीं है, उससे क्वेश्चन आते भी नहीं, ठीक है। जहां से पूछा जाता है थोड़ा बहुत वहां से पढ़ा दिया जाता है। दूसरी चीज, मैं जो मेरा जो लेवल रहता है तुम लोगों को पढ़ाने का, वो नीट से नीट का लेवल या नीट से हल्का सा ऊपर रहता है बस। अब मैं आपको अगर पढ़ाऊं बोर्ड के पर्पस से, बोर्ड तुम सब लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, वही हिसाब है। मैंने कहा जरूरी नहीं जिसके 95% नंबर आए बोर्ड में तो वो नीट ही निकाल दे, भाई बोर्ड एग्जाम में, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी बोर्ड की, मैं चलो अपनी ही बात कर रहा हूँ दूसरी छोर। मैंने जैसे कहा जैसे मेरे फिजिक्स में 12th में 96 नंबर, जब मैंने 96 नंबर थे तो अपन को लगता था अपन को तो फिजिक्स बहुत देरी आती है, अपन को क्या है फिजिक्स में, लेकिन हकीकत ये होती जब अपन कंपटीशन की किताबें खोलता था, ठीक है, हमारे समय में एररलेस चलती वो, हाँ एररलेस चलती थी हमारे समय में, ठीक है, एररलेस अब भी आती है लेकिन अब एररलेस का इतना वजूद खत्म कर दिया, तो एररलेस चलती थी, ऊपर से एससी वर्मा चलती थी आईआईटी के लिए। तो जब मैं वो किताबें खोलता था तो मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता है, तो वही मैं कहता हूँ हम लोगों का जो बोर्ड का पैटर्न इस समय बनाया गया है वो इस टाइप से बनाया गया है कि तुम कुछ एक सफिशियंट डेरिवेशन होते हैं वो डेरिवेशन कर लो, ठीक है, अच्छा अच्छा राइटिंग लिख दो, नंबर सबके बन जाते हैं। तो जिनके 95% वाले बच्चे मैं अभी पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ आता कुछ नहीं है, परसेंटेज पता नहीं कहाँ से बन रही है, तो ये हिसाब है। तो आप लोगों को थोड़ा उससे जो लेवल पढ़ाया जाता है ना तो उसी हिसाब से लेवल पढ़ाया जाता है, जिससे कि जो पेपर में पूछा जाएगा जो आएगा सब उसी के पर्पज से आएगा। अब आपका काम क्या है, मैं आपसे एक बार भी मैंने 10वीं बार आपसे बोला है कि पढ़ाने के लिए मेरी जगह भगवान आ जाए, ठीक है, ऊपर वाले आ गए, सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों, जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे। तो आप लोगों को यहां से जाने के बाद जब आप घर पे बैठते हो तो घर पे जाकर बैठकर पढ़ा करो, समझे, अरे तुम दूसरों से सीख मत लिया करो, कम से कम अपने शरीर से ले लिया करो। देख हम मॉर्निंग में 7 बजे से हमारा पहला बैच होता है, यहां से जाने के बाद अभी एक बैच हम और पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ाने के बाद में फिर जाके खाना बनेंगे, ठीक है, हाँ बच्चे कभी दावत तक नहीं करते एकदम कम बनाना पड़ेगा, है ना, हाँ। फिर हम 8 बजे अपना पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, अपना पढ़ते हैं 8 बजे तक, और 8 बजे से हम 2:30 बजे या 2 बजे से पहले नहीं आते, 2 बजे से पहले उठते नहीं पढ़ते, 2 से 2:30 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद में सुबह को फिर वही हमारा पैटर्न बन जाता है, पूरे दिन पढ़ाते हैं,
फिर समझा, तो कम से कम तुम लोग उसी उसी हिसाब से पढ़ा के बीच। हम 3 बजे सोते हैं, 3 बजे हाँ, हम 3 बजे सोते हैं, हम 6:30 बजे सो रहे हैं, 3:30 घंटे बहुत देर होगा, कितना सो रहा हमारी नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी ऐसे नहीं होती है, नींद पूरी बेटा ऐसा होता है एक दिन का खेला नहीं है, कि ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं आज ही 3:30 घंटे जल्दी सोने लगा हूँ, मैं बहुत पता नहीं कितने साल पहले से ही 3:30 घंटे 4 घंटे ही सोता हूँ खाली, बस इतनी तो वो आदत पड़ गई है, तो वही आदत पड़ गई। अब जिस दिन सैटरडे होता है सैटरडे की नाइट होती है, मुझे पता है संडे को उठना ही नहीं अपन, तो अपन आराम से 10 बजे सो उठता है, आँख बात उतनी ही खुलती है, फिर देखते हैं फिर याद आता है आज संडे है, फिर सो जाते हैं, ठीक है फिर आराम से उठते हैं। तो यही चीज है कि रूटीन को पढ़ाई में बनाओ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी बेड़ा पार होने का है, तभी तुम्हारे समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, निखर इससे काम नहीं चलेगा, ये चीज है। अब हालत तो ये है प्रेम पाल, तुम्हें तो कल पढ़ाया वो नहीं पता, और काम मैंने तुमसे कहा था सिर्फ यही पढ़ लो, सिर्फ यही फार्मूला याद कर लो, कैथोलिक कहा था, कहा था यस, मैंने कहा सिर्फ यही फार्मूला याद कर लो बेटा, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन है, 5 फार्मूला बताए तुम्हें, ठीक है, और अभी मैं क्वालिटी फैक्टर का पूछूं तो वो भी नहीं बताओ, पता है क्वालिटी फैक्टर का, क्वालिटी फैक्टर भी मैंने यही पढ़ा था उसमें, ठीक बताओ वही बात मैंने तुमसे कहा था, इंप्लीकेशन तुम तैयार मत करो, डिफरेंशिएशन तुम तैयार मत करो, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो फार्मूला याद कर लो, उसी से पूछा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं सर पावर की जगह बी की जगह अपन लिखेगा क्या लिखेगा, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह पर मैंने रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ए प्लस आई, ये अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं तो बी नॉट ऐसे ही, यहाँ पर आई नॉट ऐसे ही, साथ में रहा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा, इसको अगर हम सॉल्व करें इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में मेरा आता है एवरेज, ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व करने के बाद लगभग है 1.5 बनने का इसका डेरिवेशन है, 1.5 बनने का डेरिवेशन, तो सॉल्व करने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है ना हमें इन्हें याद रखना है, ना हमें इसे याद रखना है, ना हमें इसको याद रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है जो पावर इन एन एसी सर्किट है, जो एवरेज पावर आती है वो एवरेज पावर आती है यहां पर क्या है, बी तो बी नॉट, आई तो आई नॉट बटे 2 cos, बस तुमको सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है, नंबर 1 सिर्फ ये याद करना, ठीक है, कि एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है पी एवरेज बी नॉट आई नॉट बटे 2 cos 5, ये आया कहां से है, जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसे सॉल्व करूंगा, इसे सॉल्व करने के बाद जो एवरेज पावर का फार्मूला आया है वो आया है बी नॉट आई नॉट बटे 2 cos 5। अब इसका डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, ना ही डेरिवेशन पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, पहले यहां पर फार्मूला खोला जाता है, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोला जाएगा, उसके बाद में अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर फार्मूला लगाया जाता है, तब जाके बाद में ये फार्मूला आता है। अब देखो अगर मैं यहां पर लिखूं पी एवरेज के लिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी नॉट वाई रूट 2 और आई नॉट वाई रूट 2 इंटू, क्यों, क्योंकि रूट 2 क्या हो गया सर, 2 हो गया, रूट 2 है। अब हम जानते हैं बी नॉट वाई रूट 2 बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मिश्रा क्या वो जानते हैं बताओ इसके बारे में, ये कहीं देखा देखा लग रहा है, हाँ बी आर एम एस, क्या है ये बी आर एम एस, ये कौन सा है आई आर एम एस, और ये क्या हो गया कॉस, तो मेरा पी एवरेज का जो फार्मूला है बी आर एम एस आई आर एम एस और इधर क्या है कॉस, तब कॉस फाई क्या है, कॉस फाई है तुम्हारा पावर फैक्टर, कॉस फाई होता है तुम्हारा पावर फैक्टर, ठीक है, इसे हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, कॉस फाई को, कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं बच्चों पावर फैक्टर, ठीक है, और ये पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर होता है तुम्हारा आर अपॉन जेड, बस
पावर फैक्टर होता है आर अपॉन जेड। आर ऐसे ही जेड को अगर मैं लिखूं एलसीआर सर्किट के लिए तो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, एक दो और ये तीन याद कर बस, ठीक है। हाँ, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर, जो होता है कॉस फाई बराबर आर अपॉन जेड। एक होता था फेज एंगल, फेज एंगल होता था टेन फाई, टेन फाई होता था एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ठीक है। और ये कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड, ये होता है पावर फैक्टर, ठीक है। एक चीज और है, फॉर अगर बात आएगी फेज एंगल की या उसकी, या देखो या ऐसे मैं अलग अलग लिखा हूं, एसी सर्किट कंटेन ओनली आर, कोई एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ क्या है आर है, जिसमें सिर्फ आर है, कोई एसी सर्किट जिसमें सिर्फ आर हो वहां पर फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है, पाई की वैल्यू होती है पाई बाई टू, नहीं सिर्फ आर हो, आर के लिए सॉरी जीरो, जीरो आर के लिए जीरो, ठीक है। अब देखो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कैसे जीरो होते हैं, सबसे पहले पी एवरेज का फार्मूला बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस, कॉस फाई का फार्मूला आर अपॉन जेड, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो पी एवरेज इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट बटे दो इंटू कॉस फाई। अब तुमने कल पढ़ा था, हल्का हल्का तुमको ध्यान है, इधर होता था सर बी आर, ऊपर होता था बी एल और नीचे था हमारा ये था, हल्का हल्का मतलब। अगर मैं कहूं बेटा देखो बी आर इधर है और आर, और मैं कहूं यहां आर से ये खुद से एंगल कितना बना रहा होगा जीरो, जीरो। एल से यहां से एंगल ये कितना बना है 90, और यहां से भी कितना बन रहा है 90, यानी कि सर एल से भी 90 बना रहा है और सी से भी 90, लेकिन आर से कितना बना रहा है जीरो, जीरो आर से बना रहा है जीरो। तो ऐसे याद रखना तुम लोग कि यहां पर जो कॉस फाई की वैल्यू होती है, ठीक है, यहां पर जो कॉस फाई की वैल्यू होगी, कॉस फाई की वैल्यू, हाँ फाई की वैल्यू यहां पर जीरो डिग्री, अगर फाई की वैल्यू जीरो है तो पी एवरेज का फार्मूला जो होता है बी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो तुम्हें पता होता है क्या होता है वन, तो यहां पर सिर्फ बचा बी आर एम एस आई आर एम एस, ये पी एवरेज का फार्मूला, ठीक है, पी एवरेज का फार्मूला होगा यहां पर। हाँ, यहां पर कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है जीरो। अब बताना सर जो मेरा कॉस का फार्मूला था, कॉस फाई बराबर तो सर मेरा आर अपॉन जेड था, आर अपॉन जेड, अगर आर अपॉन जेड है तो अगर मैं कॉस जीरो रखूंगा यहां पर तो R अपॉन Z cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो R किसके बराबर होगा Z के, Z के रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा Z के, ठीक है, रेजिस्टेंस Z, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा सर रेजिस्टेंस Z के बराबर कब होता था, रेजिस्टेंस वाले में, और इसमें L और C दोनों नहीं है, और तुम दोनों को 0 कर दो
देखो इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो, तो जेड की वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, आर ही तो बचेगी, क्या बचेगी, आर बचेगी, ठीक है। तो बस इसमें आर बराबर होता है जेड के, ये तुम्हारा जब सिर्फ और सिर्फ क्या हो, तुम्हारा जब सिर्फ तुम्हारा आर हो, जब सिर्फ तुम्हारा आर हो तो ये होता है। उसके साथ में एसी शर्त होता है कंटेन ओनली आर एल, एसी सर्किट सिर्फ एल हो, सिर्फ एल। अभी तुम बोले कि अगर सिर्फ एल होगा तो एंगल कितना बनेगा, सिर्फ एल होगा तो एंगल कितना बनेगा 90, यानी कि सर वहां पर कॉस फाई की वैल्यू 90, ठीक है, फाई की वैल्यू 90, कॉस फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू 90, और कॉस 90 का वैल्यू तुमको पता है कहां होता है, जीरो। तो अगर मैं यहां पर टी एवरेज का फार्मूला देखूं तो बी आर एम एस आई आर एम एस, यहाँ कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू जीरो, यानी कि पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, पूरी वैल्यू जीरो, ठीक है, यस, सारी वैल्यू जीरो। अच्छा उसके बाद में अगर मैं इसी में एसी सर्किट में, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर, तब भी एंगल क्या होगा, 90, तब भी एंगल कितना था 90, और 90 तो cos 90 की वैल्यू जीरो, और cos 90 की वैल्यू जीरो, तो जो P एवरेज का फार्मूला था वो भी जीरो हो जाएगा। VRMS IRMS यहाँ हो गया cos 90, ये जीरो, तो सिर्फ बचा जीरो, अच्छा हाँ पूरा जीरो, पूरा जीरो, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमसे पूछेगा बताओ सर्दी जाएगी क्या, P एवरेज इन, पी एवरेज इन एसी सर्किट ओनली आर, सिर्फ उसमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो एसी सर्किट में पी एवरेज क्या होगा, या फिर बी नॉट आई नॉट बटे दो, बी नॉट आई नॉट बटे दो, इसको लिखना चाहे तो बी नॉट आई नॉट बटे दो। तुमसे पूछेगा बताओ एवरेज पावर इन इंडक्टर, इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी होगी, जीरो, जीरो, क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। मैंने तुमसे कहा अगर तुमसे पूछा जाए एवरेज पावर इन कैपेसिटर्स तब भी क्या होगी, जीरो, तब भी जीरो होगी, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा पावर फैक्टर क्या हो गया, जीरो, और एंगल कितना हो गया 90, एंगल एंगल। उसके बाद में कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, ठीक है। अब आरसी सर्किट में सर पी एवरेज का फार्मूला तो बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ये होता है। अगर मैं cos phi की वैल्यू देखूं, cos phi की वैल्यू देखूं, तुम बोले r upon z, r upon z, लेकिन z क्या होगा RC सर्किट के लिए, x square plus r square, ये होगा सर, यस सर। l कहां गया, एल है ही, हाँ डैनी फेल गया, है ना, आर का आर
मतलब एल तुम्हारा गायब हो गया, ठीक है, हाँ एल गायब हो गया। तो अगर सिर्फ ये बचा तो इसकी जगह पर मैं सिर्फ यहाँ पर यही रख सकता हूँ सिर्फ बी आर एम एस साथ में आई आर एम एस कॉस फाई हो गया तुम्हारा आर अपॉन अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया नहीं चुप्पी बी आर एस का फॉर्मूला ये आ गया। कौन सा सर्किट है ये आरसी सर्किट है, ठीक है, ऐसे तुम खुद बताओगे अब एलआर सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, एलआर सर्किट के लिए वैल्यू निकाल के एक एंगल आएगा, ठीक है, वही वही वैल्यू यहां पर दी जाएगी। एसी सर्किट कंटेनिंग इन आरएल सर्किट, आरएल सर्किट तो लोगों ने ऑप्टिक्स की वीडियो देखी थी, देख लो आप दो ही चीजें हैं, या तो देख लो, अगर देख लोगे तो उधर की 15 वीडियोस में मैं तुम्हारा रिवीजन करवा सकता, और नहीं देखोगे और वो भी देखने के बाद तुम्हें कहना पड़ेगा कि हाँ सर ने करा दिया यहाँ ऑप्टिक्स, समझे, तब जैसे पूछ लेना तब मुझे वैसे वो पता नहीं लगेगा सर ने ऑप्टिक्स करा दिया तब तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो ऑप्टिक्स ही होगा। एसी सर्किट कंटेनिंग इन आरएल सर्किट, अब तुम खुद बताओ, मुझे नहीं पता, तुम खुद निकालो, मुझे क्या पता क्या कैसे हो गए, सबसे पहले तो फिगर बनाओ, फिगर बनाओ आर, ये बन गई फिगर एल की, यहां पर तुमने एसी दे दिया एल और आर, अब बताओ पी एवरेज निकालो, सबसे पहले पी एवरेज का फार्मूला निकालो, फिर कॉस पावर फैक्टर निकालो, फिर पावर फैक्टर लिखो क्या होगा, डायरेक्ट कर दो, अब डायरेक्ट कर दो, पी एवरेज, अरे पी एवरेज कैसे आ गया हमारा आई आर एम एस बी आर एम एस कहाँ गया, सही ठीक बिल्कुल सही है, टेंपल तो बहुत पीछे चल रहा है, और ये भी हमारा देखने क्यों उतार हो गई सर के, ये तो अपने आप बना लो, कल नहीं आए कल दिया था पी एवरेज, कोई बात नहीं सर, बी आर एम एस कॉस फाई की जगह हम रखेंगे आप तो ऐसे है ही, और यहाँ हो गया अंडर रूट ये लिखा था आपने, ये लिखा था क्या सफेद झूठ बोल रही है, हाँ देखो अच्छा आपने तो ये लिखा था, देखो बी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई की जगह लिखा था सर आर बटे एक्स एल स्क्वायर
अब इसमें और इसमें अंतर नहीं दिखा आपको, ये होगा ठीक है। अब अगर देखो, अगर मैं आर एल सर्किट के बाद में एल सी सर्किट बोलूं, खुद देखना सर, अगर मैं एल सी सर्किट देखूं, तुम बोले एल सी सर्किट सर इसमें तो आर ही नहीं है, आर है क्या? आर नहीं है तो मेरा सब कुछ ऐसे ही, मैंने यहाँ क्या रखा आर की जगह जीरो, जीरो रखूंगा, सब कुछ क्या हो गया जीरो, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा जीरो, और पावर फैक्टर भी मेरा क्या हो गया जीरो, ये जीरो आ जाएगा। हाँ अगला है एल सी आर सर्किट, एल सी आर सर्किट अब मैंने इसे तीनों डाल दिया एल सी आर तीनों, ठीक है एल सी आर सर्किट। अब इस एल सी आर सर्किट का बताओ क्या होगा, निकालो फिर आपको लिखता हूं, इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा cos phi इक्वल टू r बटे अंडर रूट xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और वही वैल्यू मैंने यहां रख दी r बटे अंडर रूट xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये मेरा p है। तो तुमको सिर्फ कौन से फार्मूला याद करने हैं, एक तो पी एवरेज इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, या फिर बी नॉट आई नॉट बटे दो इंटू कॉस फाई, कॉस फाई बराबर आर बटे जेड, आर अपॉन जेड, बस इतना याद कर लूंगा, और उसी के आधार पर मैंने ये सारे के सारे फार्मूला उसी के टर्मोलॉजी में निकले, सारे के सारे फार्मूला उसी टर्मोलॉजी में, ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन लिखना शताब्दी क्वेश्चन, देखो इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड, इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड across on AC source, across on AC source E equal to, E equal to tan sine 100 pi t minus pi by 6, 100 pi t minus pi by 6, and current supply I is equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 12 plus pi by 12, ठीक, इतना करंट दिया है। उसके बाद में व्हाट इज द एवरेज पावर डेसिपेटेड डी आई डबल एस आई पी ए टी ई डी, ठीक है, बताओ इसको एवरेज पावर कितनी दी गई,
एवरेज पावर क्या है। तो देखो मैंने जब बिल्कुल शुरू शुरू में मैंने कराया था तो मैंने कहा था एक इक्वेशन थी हमारी b = b नॉट sin ओमेगा t, दूसरी थी i = i नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय पाई बाय 2 पाई पाई थी प्लस पाई थी। ठीक है तो बेटा जो फेज एंगल तो तुम्हारा है, अरे जो एंगल है दोनों के बीच में, एंगल कैसे निकलता है जब इसमें से मैं ये घटाऊं, जब दोनों में से क्या घटाऊं मैं एक को घटाऊं। ठीक है अब जैसे मान लो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, इसमें से इसको अगर घटाऊं तो देखो यहां पर क्या है बच्चों 100 पाई टी और यहां भी क्या है 100 पाई टी। तो अगर मैं तो किसमें से घटाऊंगा पाई बाई 12 में से सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा पाई बाई 6, यहां पर माइनस का नहीं है इसका है माइनस। अगर मैं यहां देखा तो पाई बाई 12 ऐसे भी माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 एलसीएम कितना लिया 12 तो यहां पर आया बच्चों 2 पाई, यहां पर हो गया 3 पाई बाई 12, 3 से काटा तो पाई बाई 4 ये किसका मान आया 5, ये किसका मान आया 5। अब अगर ये 5 का मान आया है ये 5 का देखो 5 का मान कैसे निकाला इस पाई में से ये घटा दो। ठीक है जो अंदर एंगल है जो ये अंदर एंगल है ना इसमें से देखो इसमें से ये घटा दो तो घटाने के बाद जो एंगल आएगा वही क्या कहलाएगा तुम्हारा फाई है। ठीक है वही फाई कहलाएगा। अब अगर तुम्हारा ये फाई आ गया तो क्या तुम कॉस फाई निकाल दो सर कॉस फाई तो कॉस ऐसे ही फाई की जगह पाई बाई 4 पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री कितना होता है 45 डिग्री बताओ हेमंत कॉस 45 का मान कितना होता है कल मुझे एक एक बच्चे को पता होना चाहिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सिर्फ साइन कॉस टैन के बस ये तीन पता होना चाहिए। ठीक है रट्टे होने चाहिए कतई 1 अंडर रूट 2 मैं यहां से बोलूं तुम्हारे मुझसे तुरंत जवाब दे दो और ना हमें बी नॉट पता पता है कि नहीं पता है बताओ अरे आई इक्वल टू आई नॉट ये होता है और b इक्वल टू b नॉट ये होता है e और b एक ही तो बात है। तो सर ये b नॉट दिया है मुझे 10 और i नॉट दिया है मुझे 2 बटे 2 और इसकी वैल्यू आ गई 1 / 2 से 2 काटा ठीक है 10 बटे अंडर रूट 2। अब 10 बटे अंडर रूट 2 को कैसे लिखें 10 देखो 1 बटे अंडर रूट 2 को इसको काटोगे तो आएगा 5 अंडर रूट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लो देखो 10 बटे अंडर रूट 2 लिखा है एक बार अंडर रूट 2 की ऊपर गुणा एक बार अंडर रूट 2 की नीचे हो गया 2 अब 2 से काट दिया कितना बचा 5 पावर की यूनिट वाट क्या होती है पावर वाट। ठीक है ये बात बिल्कुल सरल क्वेश्चन है इसमें से ये घटा के सर फाई निकाल लो कॉस फाई की वैल्यू निकाल लो उसके बाद में पावर पूछी है। तो अगर यहाँ पर आई आर एन एस बी आर एन एस दिया होता तो फार्मूला कौन सा लगता सर जी तो आई आर एन एस बी आर एन एस कॉस फाई लेकिन यहाँ पर तो सर मुझे बी नॉट और आई नॉट दिए थे इसलिए मैंने बी नॉट आई नॉट बटे 2 इनटू कॉस फाई लगाया है ये इसलिए हो
बढ़िया ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए 60 साइकिल एसी सर्किट, ए 60 60 ए 60 साइकिल एसी सर्किट, ए 60 साइकिल एसी सर्किट साइकिल एसी सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ एसी सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम 200 ओम हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम 200 ओम एंड इंडक्टर 100 मिली हेनरी 100 मिली हेनरी मिली हेनरी 10 की पावर माइनस 2 100 मिली हेनरी व्हाट इज द पावर फैक्टर व्हाट इज द पावर फैक्टर व्हाट इज द पावर फैक्टर बस बताओ पावर फैक्टर क्या होगा अब पावर फैक्टर का फार्मूला तुम्हें पता है सही है सबसे पहले देखो इसमें कौन सा कर दिया एल दिया है और आर दिया है तो कौन सा सर्किट हो गया एल आर सर्किट एल आर सर्किट के लिए जेड का फार्मूला निकाल लोगे बस जेड निकालो आंसर पाओ पाई की जगह 3.14
बारह तीन छत्तीस चालीस लिख लू क्या मैं, बारह तीन छत्तीस बैठ के बारह सौ अड़तालीस के आठ हाँसी लगे चार, बारह एकम बारह चार सोलह के छह हाँसी लगा, एक बार तीन छत्तीस और एक सैतीस, सैतीस पॉइंट छह आठ लगभग अड़तीस के करीब आ रहा है ना, अड़तीस के करीब। इसे क्या मानोगे, चालीस, क्या मानना, चालीस ठीक है। तो चालीस का स्क्वायर सोलह सौ, और इसका स्क्वायर दो दूनी चार, एक दो तीन, यही तो होगा ठीक है, चालीस हजार ये हो गया। उसके बाद में जब इसमें तुम जोड़ोगे ये तो अंडर रूट ऐसे ही चार हजार ये आएगा, देखो यही तो आएगा। अब सर देखो, दो जीरो का एक जीरो अंडर रूट बाहर निकलेगा, अंडर रूट से बाहर निकलना है ना, तो दो जीरो का कितना निकलेगा, एक जीरो बाहर निकलेगा। क्या बचा, चार सौ सोलह, तो बीस और बीस चार सौ होते हैं ना, बीस गुना बीस चार सौ, तो बाहर कितना निकलेगा, बीस ठीक है, बीस बाहर मान लो, और एक जीरो पहले से था तो लगभग कितना आया, दो सौ, दो सौ सही है, लगभग आया दो सौ। लगभग अगर 200 आया और ये 200 से थोड़ा सा क्या रहेगा, हल्का सा ज्यादा, 200 से हल्का सा क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है नीचे वाली की, नीचे वाली। अगर तुम्हें cos phi निकालना है, r की वैल्यू तुम्हारी 200 थी, नीचे 200 से हल्का सा क्या रहेगा, ज्यादा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 0.9 के करीब आएगी, 0.2 अगर नीचे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 0.9 ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो गया, पावर है सही है। इस टाइप से कैलकुलेशन के जाना ठीक है, और देखिए कैलकुलेटर तो मिलता नहीं पेपर में, सरकारी कैंटीन थी एक प्रकार, लेकिन वो सरकारी नहीं थी, उसका भी टेंडर जो टेंडर था ये था। लेकिन वहां पर बस एक चीज थी, जैसे तुम लोगों को पता नहीं, जैसे फिनलैंड हो गया ठीक है, मेरे दोस्त एक फिनलैंड में है, तो वो बता रहा है, वो कहता है हमारे यहाँ पर पता है क्या होता है, जैसे किसी का तुम लोगों के खेत है, अपने खेत होते खेत में कोई चीज कोई फसल कर दी, जैसे मान लो तुरई कर दी, आलू कर दिया, ये कुछ कर दिया ऐसे थे, तो उन्होंने करके जैसे उन्होंने आलू करे, आलू करे, आलू करेगा, आलू का एक एक किलो, एक किलो आधा किलो 250 ग्राम ठीक है, दो किलो पांच किलो के पैकेट बनाए, और पैकेट उन्होंने क्या किए, अपने खेत के बाहर हल्का सा इसके टेबल लगा के और वहीं रख दिए, रख दिए, और साइड में बना दिए पेटी, पेटी कर दी, तुम जाओ
आलू उठाओ, वहां पर रेट लिखा हुआ होगा, रखो पैसे उसमें डालो और चले जाओ। कोई डिलीवर होगा ही नहीं वहां पर, कोई होता ही नहीं है, कोई होता ही नहीं कि कोई हो कि वहां पर ना कैमरा होगा ना सीसीटीवी कैमरा होगा, कुछ भी नहीं होगा। आराम से जाओ उठाओ ठीक है। ये वहां पर क्या होता है, ऐसा ट्रैक्शन होता भी नहीं है वहां पर, लोग वही उठाते हैं जिनको पैसे, जिनके पास पैसे होते हैं वो उतनी सफिशियंट अमाउंट में पैसे डालते हैं, बल्कि ज्यादा तो डाल जाते हैं कम ही डाल दिया जाता है। अगर एक कार्ड बंदे को मान लो बहुत ज्यादा नीड है वो ले लिया तो कोई बात नहीं भाई, इस हिसाब से हाँ ये काम होता है। ऐसे ही वहां पर आरडी का था, आरडी में भी ये था, अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं तो वो खाता था और चले जाता था, अगले दिन आगे पेमेंट कर देता था भूखा ठीक है, या फिर कभी खाता था तो फिर पेमेंट कर देता था, वो अपने मन में वो याद रखता था, और वो जो कैंटीन वाला वो याद नहीं रखता था। तो पैसे उसके, मैंने उससे पूछा एक बार, मैंने कि तुम्हारे पैसे मार लिया था, बोले भैया एक पैसा नहीं मारा था, मैंने कि क्यों, कह रहा मुझे पता होता है कि हाँ मैं दूर से तो देखी हूँ ना कि हाँ इस बंदे ने खाया और ये चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने काफी बार ये चीज देखी कि वो बच्चे चले जाते लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन या दूसरे दिन या उसी संध्या को आते तो उसके भी पैसे कटवा देते हैं, और ये कहते नहीं है हमने कल खाया था, उसी के पैसे कटवा देते। तो बोले इसीलिए बच्चे ईमानदार है तो फिर भाई तो हम भी क्यों कर दूसरे से ठीक, बोले इसीलिए चल रही है सुबह सही कह रहे सर, आज से तो कल दे जाओ नहीं हां मतलब जब नहीं तो कर दे जाओ। और एक बात और याद रखो हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखो, तुम किसी से उधार लोगे ये किसी चीज की उधार लेके खाओगे ठीक है, तो तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिसने तुम्हें उधार दिया वो भूल जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल तगड़ा फैक्ट है। क्योंकि एक मैं फैक्ट में बता रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं वहां गया था अपना सिटी है ना बरेली सिटी, बरेली सिटी में तो मैं उधर चाय पीने चला गया, तो मैंने कहा भैया चाय पी लो, बोले हाँ बैठो, तो मैं चाय पीते रहा, तब तक किसी का कॉल आ गया, बोले भैया जल्दी आ जाओ अर्जेंट काम है, तो मैं चाय पीते निकल गया, मैं ये भूल गया कि मुझे उसके पैसे देने दे दिए। अब जब मैं वहां से चला आया तो मेरे ध्यान आया मुझे उसके पैसे देने, अब वो बात मेरे दिमाग में तब तक रहेगी जब तक मैं उसे पैसे दे लूंगा उसकी एक चाय, ये दिक्कत है। एक तो ये बिल्कुल ट्रू है फैक्ट है, कोई बंदा कहे, कोई बंदा ये कहे कि हम पैसे उधार लेके या किसी को कुछ चीज खा के उधारी में और भूल गए तो सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर हो ही नहीं सकता ठीक है, और भूलेगा भी नहीं कभी जिंदगी, याद बार बार याद आएगा। हाँ नहीं तो ईमानदारी को हमेशा बरतनी In which R is equal to 12 ohm, XL is equal to 24 ohm, XC is equal to 8 ohm. मैंने कहा था तीनों की तीनों रेजिस्टेंस होते हैं और तीनों की यूनिट भी ओम ही होती है ठीक है ओम। The EMF of source given by 10 sine 100 pi t, मैंने जो सोर्स दिया है एसी सर्किट का वो कितना दिया है 100 इतना ठीक है इतना। फाइंड एनर्जी डेसिपेटेड इन 10 मिनट कि 10 मिनट में एनर्जी कितनी उत्पन्न होगी ठीक है 10 मिनट में। अब यहां पर सर मेरा अब ये थोड़ा वर्कडन की तरफ बढ़ गया, कैसे यहां पर मैंने एनर्जी पूछी, अभी तक तो मैं पावर निकलवा रहा था ना, लेकिन मैं एक सिंपल सा फंडा जानता हूं, पावर इक्वल टू क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्कडन पर यूनिट टाइम,
ठीक है, ऐसे करो। और वर्क डन क्या है, थोड़ी एनर्जी। अब देखो अगर मैं एनर्जी निकलूंगा तो एनर्जी क्या होगी, पीडी। ये तो लाइन देखो, एनर्जी हो जाएगी पीडी। ध्यान रखना ये पावर है, ये एनर्जी है। और पावर और एनर्जी में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी में हमेशा टाइम आएगा, एनर्जी में क्या आएगा, टाइम। और पावर में टाइम नहीं होगा। तो मैंने कहा सर पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। अगर मैंने अब सीधी सी बात है सर, मुझे टाइम दे रखा है, उसने 10 मिनट में पूछा है मेरे, टाइम दे रखा है, मुझे क्या निकालने को मांगता है, पावर। अब पावर अपन निकालेगा तो पावर का फार्मूला होता है सर, मुझे पता है क्या, वी आर एम एस, आई आर एम एस, और क्या होता है आर, हाँ वी आर एम एस या आई आर एम एस कॉस। तो सबसे पहले तो मेरा टास्क है कॉस फाइव निकालने का, ठीक है। कॉस फाइव निकालो आर अपॉन जेड, कॉस फाइव निकालो आर अपॉन जेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो cos 5 करो सर, cos 5 की जगह पहले r / z, सबसे पहले मैं z निकालूंगा, अंडर रूट xl - xc, तो xl में से xc हटाया, 24 में से 8 सबट्रैक्ट किया तो कितने बचे, 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर सर, 16 × 16, ये तो 144 होता है, और ये क्या 256, कितने होते हैं 256, तो ये कितना आया 20, अंडर रूट 400 का कितना आया 20 ओ, क्या जेड की वैल्यू क्या आई 20 ओ, आसान मारे। ये जेड है क्या, जेड क्या है, इस चंदन जेड क्या है, इंपीडेंस, इंपीडेंस, लेकिन किसका, तीनों का, क्या तीनों को मिला के रेजिस्टेंस है, तीनों का मिला के रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर करंट निकालूं, I नॉट इक्वल टू क्या होगा, B नॉट अपॉन Z, R नहीं होगा, क्या होगा Z, अगर तीनों हैं L C R हैं तो तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस ही तो Z है, तो क्या होगा B नॉट अपॉन Z, अगर सिर्फ यहाँ रेजिस्टेंस होता तो क्या होगा B नॉट अपॉन R, सर B नॉट, B नॉट कितना है, B equal to B naught कितना है 10, और Z कितना है 20, I naught आ रहा है 1/2 आ गया, सही। अब cos 5 तो अब तो लगता है आपको दिक्कत ही नहीं है, देखो P average, P average सर, B RMS को लिख सकता हूँ मैं B naught बटे अंडर रूट 2, I RMS को मैं देखो I RMS को लिख सकता हूँ मैं I naught बटे अंडर रूट 2, और cos 5 को लिख सकता हूँ R बटे Z, और Z की वैल्यू सभी मेरी आई 20, ठीक है। बी नॉट की वैल्यू कितनी है सर 10 बटे अंडर रूट 2, सर आई नॉट की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 और साथ में है अंडर रूट 2, ठीक है, आई नॉट की वैल्यू 1/2 और साथ में है अंडर रूट 2, आर की वैल्यू सर है मेरी 12 अपॉन नीचे 20, 10 से 10, 2 × 12, 2 × 3 = 6, देखो ऊपर 3 नीचे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कितना आया 2, 1.5 क्या आई 1.5, क्या मेरा आंसर आ गया, नहीं, क्या पूछा है एनर्जी, क्या पूछिए एनर्जी, अगर एनर्जी निकालोगे तो ये पावर आ गई 1.5, टाइम कितना दिया है 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 15 = 90, कितना आ गया 900 जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तुम्हारे सब कुछ समझ में आ गया है सिर्फ इतनी चीज को छोड़, ठीक है, सब कुछ समझ आ गया, इतनी चीज को छोड़।
सर धनबाद झारखंड में लगता है। हाँ सर कैंस ऑफ पॉसिबल। मैं गुमला तक गया था। गुमला तक गया। कहाँ तक? गुमला। गुमला रांची से थोड़ा आगे है। तो हम वो वहाँ गुमला हम तो खाली रांची गए ना घूमने। मुर्गे गुमला तक खाने जाते हैं। मुर्गे से खाने। हाँ और तो कुछ राष्ट्रीय पक्षी बता रहे। कौन घूम रहे थे? मुर्गे। मुर्गे हाँ काले 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 मुर्गे। राष्ट्रीय की राज्य हाँ राज्य का पता नहीं चलता। काले बड़ा कर रहे हैं इंसान मुंह में पानी आ रांची जो धनबाद था वो थोड़ा गैंगस्टर वाला इलाका था। गैंगस्टर वाला इलाका था लेकिन हम लोगों से कोई कुछ नहीं किया। लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं हम लोगों के। लोग अच्छे हमारे लिए। मैंने चार मैंने देखा था चार साल में किसी ने कोई दस्तक नहीं दिया कभी कोई मतलब नहीं। तुम बाहर किसी का नुकसान करो तब तक जरा कोई कुछ नहीं कह रहा था। ठीक है क्योंकि इनकम जनरेटिंग तो बहुत ही मान लो हमारे कॉलेज में एक साथ में 4000 बच्चे पढ़ते थे। 4000 बच्चे। अब एक बच्चा अगर मिनिमम कितना ही खर्च करता था कतई मिनिमम बता रहा हूँ मैं तो एक बच्चा 5000 तो खर्च करता ही था भाई। 5000 का खर्च करता तो 4000 के हिसाब से कितने हो गए होंगे 2 करोड़ तो महीने के खर्च कर देता था। कहाँ खर्च करता था? तो खर्च करने के लिए कोई धनबाद से बाहर घुमा जाएगा तो धनबाद ही खर्च करता था। तो बोलता मार्केट वर्केट में सब वहाँ पर खर्च करते थे बच्चे लोग। ठीक है तो बोल के इनकम सोर्स जनरेट भी था। अगर वो उनसे ही बैर मोड़ लेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है इतना बुरी हालत थी कि वो एक जगह भी वहीं पर मार्केट था मतलब हमारे धनबाद से गेट से बाहर निकल मार्केट तो वहाँ के 5 रुपये पब्लिक से लेते थे। जैसे वो देख लेते थे स्टूडेंट उन्हें 10 रुपये उन्हें 10 रुपये लगते नहीं है नहीं तो पहले चले गए क्या कर रहे हैं 10 रुपये लेते हैं। कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे थे बोले आईटी थे बोले 20% डिस्काउंट बाहर का 20% डिस्काउंट तो ये हो जाएगा। अब देखो सर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन मैंने एक ही चीज में कई चीज डाल दी। ठीक है एक ही क्वेश्चन में कई चीज हालांकि जो नीट पूछेगा वो इतना बड़ा इतना लंबी क्वेश्चन मुझे नहीं पूछेगा। सर इस क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी आई नॉट नहीं पता था। कहीं पर भी आई नॉट नहीं पता था मुझे सिर्फ बी दे रखा था मुझे बी नॉट पता था। ठीक है तो मैं सर यहाँ पर सिर्फ बी नॉट लगा सकता था लेकिन मैं आई नॉट कैसे लगा था जब इसमें कहीं आई नॉट पता ही नहीं था। लेकिन मैं जानता हूँ अगर मुझे तीनों जो मेरे तीन थे एक एल था एक सी था और एक आर था अगर इन तीनों को मिलके मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया तीनों का मिलके मुझे क्या पता लगा रेजिस्टेंस और मुझे ये भी पता है कि ये बी है तो है कितना है मैक्सिमम बी है ना बी नॉट तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था आई इज इक्वल टू सर बी अपॉन आर लेकिन यहाँ पर तीनों का रेजिस्टेंस मिला के आर की जगह हम लोग जेड लिखे। ठीक है और बी की जगह जब बी नॉट लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पर B not upon क्या किया था जेड क्योंकि मैंने जेड यहां से निकाल लिया था और B not मुझे पता था तो इससे मैंने क्या निकाल लिया मैक्सिमम करंट निकाल दिया था। ठीक है और इसी मैक्सिमम करंट को मैंने यहां पुट अप करके P average यानी कि पावर निकाल ली और पावर के बाद जब मैंने एनर्जी में रखा तो पावर इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम एनर्जी इक्वल टू पावर एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम ये होगा। अच्छा एक क्वेश्चन करना बहुत सारे क्वेश्चन में करा कुछ पूछ लिया। इन एन एसी सर्किट B = 100 sin 100
हंड्रेड पाई डी कोरोना और करंट जो दे रखा है तुमको कोरोना का समय आ गया करंट वो दे रखा है वो भी हंड्रेड साइन हंड्रेड पाई डी प्लस पाई वाई थ्री ठीक है तुमसे जो इसमें पूछा है पावर पूछी पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट बताओ पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट कितना होता है इसमें कितनी पावर डेसिपेट हो कितनी पावर हो ठीक है तो सबसे पहले तुम फाई निकालो फाई निकालने के बाद कॉस फाई निकालो कॉस फाई निकालने के बाद बी नॉट निकालो बी नॉट के बाद आई नॉट निकालो और ये सब निकालने के बाद फिर बताओ कितना आया फाइव की वैल्यू कितनी आई फाइव की वैल्यू देखो अगर मैं एक साथ फाइव निकालू फेज है फाइव निकालू तो फाइव इसमें से ये घटाया तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो फाइव की वैल्यू ही मेरी पाई बाई थ्री आती है अब कॉस पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60 और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 क्या होती है 1/2 ठीक है पाई बाई थ्री का मतलब हो गया 60 देखो पाई बाई थ्री का मतलब कैसे सर पाई बाई थ्री पाई की जगह रखो 180 और तीन से काट दो कितना आ गया 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू 1/2 अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है पी एवरेज सर पी एवरेज होता है बी नॉट आई नॉट बटे 2 इनटू cos 5 सर देखो बी नॉट बी इक्वल टू बी नॉट कितना दिया है 100 आई नॉट कितना दिया है 100 बाय 2 सही है cos 5 की वैल्यू देखो कितनी दी है 1/2 2 से काटा 50 फिर 2 से काटा 50 तो कितना आ गया 2500 देखो 25 आंसर आ गया 2500 जो कुंडली और तुम्हारा बाट लेस कर वो कल कर दे ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर काम क्या करता है क्यों लगा है तुम्हारे गवर्नमेंट ट्रांसफार्मर भाई
ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? हेलो, एसी को डीसी में करता है, मतलब एसी से डीसी में और डीसी से करंट लगता नहीं है, जो ट्रांसफार्मर से तार लेकर उनको पकड़ना, तुम तो भी तो कह रहे करंट नहीं लगेगा, डीसी से डीसी में करंट लगता है। हां क्या था यार, लैग वो यार क्या वोल्टेज को देखो, जो ट्रांसफार्मर पे लाइट आती है वो कितनी आती है, 11 वोल्ट, और उसे कन्वर्ट किसी करना है 220 वोल्ट, समझ रही है? तो अब देखो वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है, तो उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो जो पहले हम लोग, अब तो ऐसा नहीं होता, हम लोग पहले जब गांव में तुम देखे होगे स्ट्रिप वाले लगे होते घर में, जैसे ही देखते थे लाइट वाले तार बन गया एंडिंग है सारे के सारे पर जो उसके, ठीक है, और वो करंट बढ़ा देता था, टीवी हमारी अच्छी चलने लगती थी ना, यस सर, वो क्या होता था, वो क्या करता था, वो कम को क्या करता था, ज्यादा करता था, उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो वोल्टेज कम वोल्टेज को ज्यादा बना रहा है उसे क्या बोलेंगे, स्टेप अप, और जो ज्यादा को कम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, कैसे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार के हैं, ठीक है, दो प्रकार के, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक क्या होता है, और इसका काम क्या है तुम ही तो बोले, क्या चेंज इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज होते हैं उन वोल्टेज को क्या करना, चेंज करना, किसका काम होता है हमारे ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर देखो कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर में बच्चों देखो इस पर क्वेश्चन काफी पूछे भी जाते हैं, ऐसे अंदर ये, ठीक है, ये अंदर खोखला है, ये खोखला, इसमें ऐसे क्वाइल्स लगी हुई होती है, तेरे लगा क्वाइल्स हो गई, क्वाइल हो जाती है ना सर, क्वाइल, हां वही जाता है, क्वाइल्स हो जाती है, देखो ये क्वाइल्स लगी हुई है, यस सर, ऐसे बहुत सारी। दूसरी चीज एक बात याद रखना, ये जो ट्रांसफार्मर का जो ये मटेरियल होता है, यस सर, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनके मिलकर बना होता है, अपने से बाहर नहीं जाने देता, बात समझ आ रही? अब देखो यहां पर क्या है, ये इधर एसी सर्किट, ठीक है, एसी, इधर होता है इनपुट, ध्यान, इधर होता है इनपुट, और एक और क्वाइल्स इधर होती है, इधर होता है बच्चों आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। अब तुम लोग समझो, कभी ध्यान से समझना, तुम बोले सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो कारणों से प्रोड्यूस होती है, पहला कारण या तो मैग्नेट हो, दूसरा कारण या किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, तभी फ्लो होंगे, अदरवाइज फ्लो नहीं। अगर करंट चेंज हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही होंगी। यहाँ पर जो ये करंट बहता है इसमें, वो ऐसे ही तो बहता है एसी, तो हर पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है, चेंज। अगर हर पॉइंट पे करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। अब यहां से जब मैंने इनपुट दिया, यहां से मैंने करंट दिया, ये करंट इनपुट, ठीक है, करंट, इस करंट की वजह से इस वायर में करंट आया, इस लूप में, इस लूप में जो ये करंट आया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस हुई। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हुई इसके अंदर ही तो है, इसके अंदर देखो ऐसा था, जैसे बेटा मान लो ये जैसे कोई ऐसी क्वाइल हो उसके चारों ओर ऐसे लग लेती है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस वायर से प्रोड्यूस हुई थी, जो इस वायर से प्रोड्यूस हुई थी, वो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर है, तो ये क्या काम करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे और ऐसे जाएंगी, और ऐसे आके फिर ऐसे रहेंगी, यस सर। तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो अगर इधर से प्रोड्यूस हुई है तो ऐसे जाके फिर वापस यहीं आएंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज, क्योंकि यहां पर करंट हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी यहां प्रोड्यूस हुई है, जितनी इधर चल रही है, उतनी ही इससे हो जाएगी,
रिलायंस इससे जाएंगे उतनी ही बाहर क्यों नहीं गई, क्योंकि बाहर ये कौन सा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अपने से बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने ही नहीं देगा। अगर अपने से बाहर जाने ही नहीं देगा तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी उतनी ही इससे पास होंगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, और तुम्हें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है तो अपने आप से एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा तो इस वायर में भी क्या फिर हो जाएगा, अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी, और तुम्हें पता है ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। ठीक है सर जी, अब मैंने यहां पर एक ऐसी नीली कॉइल्स ली और उन कॉइल्स के चारों ओर क्या लपेट दिया, वायर। इस वायर में जब मैंने करंट दिया तो मैंने देखा जैसे ही इसके अंदर करंट आया उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा ही नहीं सकती। क्यों बाहर नहीं जा सकती, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लो कराएगा ऐसे, जितनी यहाँ होंगी उतनी ही यहाँ होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हें पता है अगर किसी कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, ठीक है, यहाँ चेंज हो रही थी उतनी यहाँ चेंज हो रही है, और किसी वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उसके अंदर अपने आप से क्या फ्लो हो जाता है, तो इसके अंदर भी करंट फ्लो हो जाएगा और वो करंट आउटपुट हमें यहाँ मिल जाएगा। क्रिया विधि ये है इसकी। अब देखो हम लोग इसको कम करेंगे तो करेंगे कैसे, पहले मैंने कहा इसे बोलते हैं हम लोग बेटा प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल और इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कॉइल, बोल ठीक है सर जी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब उसके बाद देखो तुम्हें पता है जितना ईएमएफ यहां होगा उतना ही ईएमएफ दोनों तरफ ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं बच्चों यहां पर जो ईएमएफ होता था ये प्राइमरी है तो यहां क्या लिया, प्राइमरी ईपी, प्राइमरी है ईएमएफ तो प्राइमरी होता था, बोले सर जी माइनस एन कुछ ये होता था इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डीटी, हाँ डायरेक्ट फ्लो बेटा, डायरेक्ट अगर हम फ्लो इसके थ्रू इसमें करवाएंगे तो सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा बाहर, और ज्यादा ज्यादा बाहर निकली तो हमारा लॉस नहीं आएगा, ज्यादा क्या आएगा, लॉस आएगा, इस वजह से इसके चारों ओर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, और जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा बढ़ जाता है, अगर हम डायरेक्ट कर देंगे एक के पीछे नीचे ऐसे एक कर देंगे तब जो अगर ये टकरा गए तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, उसका भी खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक। अब देखो सर मैंने EP इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डीटी कहीं पढ़ा था, ठीक, प्राइमरी कॉइल का EP क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, ईएमएफ हो गया या वोल्टेज, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ ही वोल्टेज। सर प्राइमरी कॉइल का ये है n d phi ओवर dt, अगर मैंने कहा सर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर कितने टर्न है, n p, प्राइमरी है, प्राइमरी है तो क्या बोला मैंने n p, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, तो तुम बोले सर d phi b ओवर dt मैग्नेटिक चेंज हो रहा है। अगर मैं इस सेकेंडरी कॉइल की बात करूं तो वहां पर कितना होगा, तो मैंने कहा ES, जैसे मैं जानता हूँ E इक्वल टू मेरा क्या होता है, माइनस एन डी फाई ओवर डी, बहुत बड़ा है, ठीक है, E इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी, तो मैंने कहा सर यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने मान लिए मैंने, और जितना तुम बोले सर जितना चेंज इन फ्लक्स यहाँ होगा उतना ही नहीं होगा, तो दोनों में d5 भी ओवर dt, d5 भी ओवर dt क्या रहेगा, सेम, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड करूं, इक्वेशन
फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे तो ई पी अपॉन ई एस माइनस एन पी डी फाइव ओवर डी टी अपॉन माइनस डी फाइव ओवर डी टी, ये कट गया माइनस से माइनस, तो ये आया ई पी अपॉन ई एस बराबर एन पी अपॉन एन एस, एन पी अपॉन बस छुट्टी ये आया, ठीक है, ये हमको याद रखना। इसे उतारो, फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं इसके अंदर। क्या है वोल्टेज जो मैंने दिए हैं वोल्टेज ना वही ट्रांसफार्मर में क्या सेव रहता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। एन बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, टर्न का मतलब हो गया ये घूमना, ठीक है, घूमना नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। EP का मतलब हो गया पोटेंशियल या वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, ES का मतलब हो गया पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल, पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल, उससे ये उसके बाद में अब हम लोग देखो सर एक बात जरा सुन, अगर मैं इसको लिखूं तो खुद बताऊं ये हो गया VP, ये हो गया DS, ये हो गया NP, ये हो गया NS, ये हो गया सही। अब तुम लोग मुझे बताओ एक बार कि यदि सर BP क्या है जो वोल्टेज दिया, BS क्या है जो वोल्टेज दिया निकला, BP क्या है जो वोल्टेज दिया, BS क्या है जो वोल्टेज निकला। अब मुझे बताओ अगर निकलने वाला कम हो, निकलने वाला क्या हो कम, या देखो मैं ऐसे करूं सर BS बराबर, BS बराबर अगर लिखूंगा, BS बराबर अगर मैं लिखूंगा तो BP NS अपॉन N, यही तो लिखूंगा BS बराबर BP NS अपॉन, देखो पिछली गुणा यही तो करूंगा। अब मुझे बताओ सर BP जो मैंने दिया है वो दिया है, जो मैंने दिया है दिया, मुझे बताओ ये वैल्यू कम कब होगी, सोचो दिमाग से ये वैल्यू कम कब होगी, जब ये ज्यादा हो और ये क्या हो कम, अगर ये ज्यादा होगी ये क्या हो ज्यादा, ये हो कम, तो ज्यादा से कम को भाग देंगे तो और कम आएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी कम कम रहेगी, यानी कि सर बी एस क्या रहेगी कम बी पी से, कब कम रहेगी जब एन पी क्या हो ज्यादा किस से, सही खुद देखो ये वैल्यू कम कब होगी जब एन एस बटे एन पी का रेशियो एक से क्या हो कम, एक से कम हो, अगर सर जी ये वैल्यू कम होगी तो कम की गुणा जब इससे होगी तो कम आएगा, तो मेरा जो सेकेंडरी यानी कि मुझे आउटपुट मिलेगा वो कब कम मिलेगा जब NP की वैल्यू ज्यादा हो, इसकी वैल्यू कम हो, तो NP इज ग्रेटर देन, इसे हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफर, ठीक है। स्टेप अप कब रहेगा, स्टेप अप तब रहेगा जब NP की वैल्यू कम हो किससे NS, ठीक है, तो इसे बोलेंगे स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बाकी हम तुमको कल भी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और भी चीजें एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है, और कल ये चैप्टर भी, हाँ कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।